हरियाणा में आजकल ग्रामीण क्षेत्र की सभा या किसी राजनीतिक कार्यक्रम को सफल बनाना हो या भीड़ को घंटों टिकाए रखना हो तो एक गारंटी शुदा नुस्खा है रागिनी। और आजकल तो रागिनियों के नाम पर फूहे डांस को ही मनोरंजन का सुलभ साधन माना जा रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये बेहद पसंदीदा मनोरंजन बन गया है। क्या जवान क्या बूढ़े सभी आनंद लेते हैं। 23 जनवरी को हुए एक ऐसे ही कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति के गीत से। और अब मसालेदार डांस शुरू। इस अश्लील डांस का आनंद तो सभी ने लिया, पर रोका किसी ने नहीं। पूरे 4 घंटे का शो हिट रहा। कई तो अपने मोबाइल में इसे रिकॉर्ड कर ले गए ताकि वक्त बेवक्त इसका आनंद लेते रहें। दरअसल देशभक्ति के गीत और डांस को भी लोग सुनते हैं, पर उनका मन तब मचलता है जब डांस में अश्लीलता का रंग हो। वैसे प्रदेश में आजकल बच्चियों से जो दरिंदगी और महिलाओं से रेप हो रहे हैं, उन घटनाओं में शराब और इस तरह के कार्यक्रमों की भी भूमिका है। इस तरह के अश्लील गीत और डांस पर खूब किलकियां मारी जाती हैं। शादियों में डीजे और दहेज पर पाबंदी लगाने और सादगी से शादी करने का फैसला लेने वाली खाप पंचायतें इस तरह के अश्लील डांस को भी खारिज कर दें या कम से कम सीमाओं में बांध दें तो अच्छा होगा। बच्चियों और महिलाओं से छेड़छाड़ और उनकी दरिंदगी की घटनाओं से पहले कुछ संस्कार तो जागेंगे, क्योंकि संस्कृति और परंपराओं के क्षीण होने से वासनाएं जागती हैं जो विनाश का कारण बनती हैं। सोचिए और समझिए। टोटल न्यूज़ पानीपत ब्यूरो।